तो स्टूडेंट्स हम आज सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि सूरज अगर डूब रहा हो और सूरज अगर निकल रहा हो तो इन दोनों प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि सूरज हमें रेड नजर आता है। तो आज हम इस सवाल का जवाब पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि निकलता हुआ और डूबता हुआ सूरज हमें सुर्ख नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सूरज से निकलने वाली जो रोशनी है ये व्हाइट लाइट हुआ करती है, और हम जानते हैं कि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर्स। कि जो सफेद रोशनी है ये सात रंगों पर मुश्तमिल हुआ करती है। अब होता असल में ये है कि हमारे पास वो सात रंग कौन से हैं, उनमें हमारे पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड हुआ करते हैं। मतलब हमारे पास वो कलर्स ये हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये वो सात रंग हैं जिनसे मिलकर हमारे सफेद रोशनी बना करती है। और इसमें थोड़ा अगर हम गौर करें तो इनमें अगर हम देखें किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड कलर जो है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा हुआ करती है। और हम ये बात भी जानते हैं कि वेवलेंथ जो है ये स्कैटरिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करती है। मतलब ये है, लिख सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्कैटरिंग। स्कैटरिंग से मुराद हुआ करती है कि रोशनी का फैलना, रोशनी का स्प्लिट हो जाना, ये स्कैटरिंग कहलाती है। तो अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के हमारे पास जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ क्योंकि लॉन्ग हुआ करती है, लॉन्ग होने की वजह से क्या होगा कि इसकी क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग है, तो इसकी स्कैटरिंग जो है वो कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ और स्कैटरिंग तो दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ क्योंकि लॉन्ग है, तो वेवलेंथ लॉन्ग होने की वजह से क्या होगा, इसकी स्कैटरिंग बहुत कम होगी। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि अगर हमारे पास सूरज जो है वो जब डूब रहा हो या सूरज जब निकल रहा होता है, तो इस वक्त ये होता है कि हमारे पास बाकी तमाम के तमाम जो कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ से शॉर्ट है। अगर शॉर्ट है तो क्या होगा कि उनकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी। तो फॉर इस क्या होगा कि यहाँ भी अगर सूरज निकल रहा है, मीन हमारे पास अगर ये सूरज निकल रहा है तो इसके अंदर हमारे पास इसकी रोशनी में जितने भी हमारे पास ये जो बाकी सारे के सारे कलर्स हैं क्या होंगे, इनकी स्कैटरिंग क्योंकि ज्यादा होगी तो ये सारे के सारे इधर ही सारे स्कैटर हो जाते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते क्योंकि इनकी सारों की स्कैटरिंग हो जाती है। तो हम देखते हैं हमारे पास जो रेड लाइट है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बड़ी वेवलेंथ है, लॉन्ग वेवलेंथ होने की वजह से इसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है। जब स्कैटरिंग कम होगी सो इट विल ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब ये अगर वेवलेंथ इसकी बहुत ज्यादा लॉन्ग है और स्कैटरिंग कम होगी तो ये एक लंबा फासला तय करेगी, लंबा डिस्टेंस बर्दाश्त करेगी। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास फिर कलर जो नजर आएगा आपके पास वो रेड कलर ही होगा। तो इस तरह हम देखते हैं हमारे पास सूरज अगर डूब रहा हो या हमारे पास सूरज चाहे जब वो डूब रहा हो या वो निकल रहा हो, तो क्या होता है कि इस अमल के दौरान हमें रेड लाइट इसलिए ही नजर आती है क्योंकि जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ लॉन्ग हुआ करती है, सूरज के अंदर जो सफेद रोशनी मौजूद है इस रोशनी के अंदर हमारे पास बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं, क्योंकि हम जानते हैं व्हाइट लाइट जो है वो सेवन कलर्स का कॉम्बिनेशन हुआ करती है। तो रेड लाइट जो है क्योंकि इसकी वेवलेंथ लॉन्ग है इसलिए इसकी स्कैटरिंग कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग हो स्कैटरिंग कम हो वो लाइट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेड लाइट है ये जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जब बहुत कम स्कैटर होगी तो हमें दूर से रोशनी जो नजर आएगी हमें वो रेड लाइट ही होगी। इस तरह से स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि बाकी हमारे पास जितने भी कलर्स हैं वो यहाँ सारे सारे स्प्लिट हो जाएंगे, और क्योंकि उनकी वेवलेंथ थोड़ी शॉर्ट है इसलिए वो स्प्लिट हो जाएंगे, उनकी स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हमारे पास जो रेड लाइट है इसकी अगर इसकी स्कैटरिंग कम होगी तो क्या होगा कि इट विल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हमें दूर से रेड कलर ही नजर आएगा।